विजयते श्रीसिद्धान्तसरस्वतीविजयते गौरीयगोष्ठीपति वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्नितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् से नंदनंदन बंदेराधिका चरण्द गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वाचा कल्पतरुवश्यवच पतिता पावने बैष्णवीभ्यो नमो नम मोक वाचा लंग हिति येत् की पतमहंग वन्दे परमानन्द माधवं ब्रन्दांै तु तुलसीदेवै पियं कैकेश्व सच पदे देवी सत्ववत्तोय नमो नमः नारायणं नमस्कृत नरोन् चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो

श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नेता गौर भक्त शिवसदी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नेता नंद श्रीअत शिव भक्त गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे হরে রে রাম 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 হদে আজানুলম্বিতভুজৌ কনকীর্নৈকিত কমলা হতা বিষা বরুজর যুগধর্মপাল বন্দে জগৎপ্রি কর করুণাভতারো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে আজানুম্বিত ভুজৌ কনক संकर्तन कपितरो कमलाशाक्षजर जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरोर्वन्दितो दिभरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरनम् गंगा रमणीय जटा कलापम गौरी तवाम भागम नारायण प्रियमदापारम वसीपुरपति भजवीशनाथ वागी सजुष्वी लक्ष्मीज बक्षसि यहांस्ते हृदय संबिंगमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे अचैतनं मिदाम्बि सम् यदि चैतनं मिस्वरं नो विदहु सर्वशास्त्रं गोयोपि ब्रह्मन्ते तेनह अचैतनं मिदाम्बि सम् यदि चैतनं मिस्वरं नो विदहु सर्वशास्त्रं गोयोपि ब्रह्मन्ते तेनह गोडिय गोष्ठीपति सिसिलो भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपा परम से जगत गुरु जी ने बताए हरिभजन करना हरिभजन करना हमारा एकांत तो कर्तव्य एकमात्र तो कर्तव्य हर जीवों के लिए एकमात्र तो कर्तव्य है हरिभजन करना हरिभजन छोड़कर हमारा दूसरा कोई कर्तव्य हो नहीं सकता अगर दूसरा कर्तव्य है ते माया में माया देवी के द्वारा विनिर्मित है अगर दूसरा बहुत सारे हमारा ड्यूटी है कर्तव्य है ये सारे माया देवी के द्वारा निर्मित है गौरी गोष्ठी ब्योतिष भक्ति सिद्धांत सरस्वती को समीर भोपाल परमंश जगत गुरु जी ने बताए भजन करना कृष्ण भजन करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है हरि भजन छोड़कर हमारा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं हो सकता हर हालत में किसी भी परिस्थिति में हो किसी भी पोजीशन में हो हर हालत में हमको हरी भजन करना ज़रूरी है विपरीत परिस्थिति में अगर हम कहे हरी भजन करना संभव नहीं है तो ये सरासर गलत है क्योंकि जड़ जगत में कभी सुख कभी दुख कभी मान कभी अपमान ये आते रहता है जब आदमी अपने को सुखी मानता है उस समय तो बिल्कुल हरी भजन नहीं करेंगे भगवान को याद ही नहीं रखेंगे दुनिया का ऐसा नियम है और जो दुखी है दुखी होने से भगवान को आरोप लगाएगा भगवान ने हमारा ऐसा हालत पैदा कर दिया जो भगवान ने हमारा ज़िंदगी में ऐसा हालत पैदा कर दिया उस भगवान को भजन करके क्या करें क्या दरकार है क्या सुविधा है मानो कि भगवान हमारा नौकर है ऑर्डर सप्लायर है जब जैसा परिस्थिति होगा भगवान को ऑर्डर करेंगे और भगवान हमारा ऑर्डर को मानते रहेंगे ये हमारा भगवत दर्शन हमारा भगवत दर्शन ऐसा है लेकिन भगवान कोई ऐसा वस्तु नहीं है भगवान को ऐसा वस्तु नहीं है जो हमारा आदेश निर्देश वो मानते रहेंगे भगवान क्या हमारा नौकर नहीं है भगवत भजन हमको करना चाहिए अपना सुविधा के लिए भगवान का कोई सुविधा इसमें नहीं है आप भजन करो ना करो भगवान का भजन करो ना करो ये आपका रुचि है लेकिन आपका भगवत भजन करना ये भगवान का लिए कोई कोई एडवांटेज कोई नहीं है भगवान का कोई एडवांटेज हो गया आप भजन कर दिया ऐसा नहीं अपना आत्मा को बचाने के लिए अपना जो आत्मा है जीवात्मा हर जीवात्मा अपना डाउनफॉल पतन को रोकने के लिए भजन करना जरूरी है कि ये नित्य धर्म है जीवों का नित्य धर्म है भजन करना ये करना ही चाहिए ये छोड़ के कोई दूसरा काम ही नहीं है क्योंकि जीवों का स्वरूप है नित्य नित्योदास जीवों का जो वास्तव स्वरूप है अभी तो माया में उलझे हुए हैं माया में उलझे हुए अवस्था में ये पता नहीं चलता लेकिन वास्तविक जीवों का स्वरूप है कृष्ण नित्योदास भगवान से ही तमाम अनंत जीव राशि भगवान से ही आए हुए हैं भगवान का भजन करना ही इसका नित्य काम है भगवान को माने और ना माने ये माने और ना माने से इसका रुचि है लेकिन मानने से भी कोई बात नहीं ना मानने से भी कोई बात नहीं भगवान का कोई आता जाता नहीं क्योंकि भगवान नित्यो नित्यानम स्च्चेतन स्च्चेतनानम एको वहू जो विद्वधाति कामान जीवों का सारे मंगल का विधान भगवान छोड़ के कौन करेगा भगवान छोड़ के कौन करेगा जीवों का मंगल विधान भगवान और भगवान का भक्तों छोड़ के कोई नहीं कर सकता ये जो श्लोक देके शुरुआत किया था अचैतन्य मिदम्ब विश्वम अचैतन्य मिदम विश्वम मने ये जो विश्व दृश्य प्रपंच जो है ये जो दृश्यमान प्रपंच है ये वास्तविक विचार का अनुसार अचैतन्य तो है ये जो दृश्यमान प्रपंच है विचार करके देखा जाए तो ये दृश्यमान प्रपंच आपका जो है ये अचैतन्य है कोई चेतना नहीं है आप बोलोगे ऐसे कैसे ये लोग घूमता फिरता खाता पीता नौकरी चाकरी कर रहे हैं संसार कर रहे हैं कुछ बोल रहे हैं सुन रहे हैं आप बोले अचेतन है अचेतन तो अनकॉन्शियस तो हम लोग जानते हैं जब सब उसका जो क्लोरोफॉर्म पहले ज़माने में दिया करता था दिया जाता था अचेतन ये जो फिजिकली हम लोगों का जो मूवमेंट है बातें करना देखना सुनना बोलना कुछ करना जाना चलना कुछ भी है ये तो मेडिकल साइंस का अनुसार ये प्राण का सिम्टम है लेकिन पारमार्थिक विचार करने जाओ पारमार्थिक विचार करने अतः आत्मा का या शरीर का प्रसंग नहीं है शरीर का शरीर का जो मूवमेंट तो है ही है लेकिन शरीर का मूवमेंट होने से भी अंतर में जो कन्सियसनेस लेवल है वो अगर बहुत नीचा है बा बिल्कुल नहीं है अचेतन मतलब जो पूर्ण चेतन वस्तु भगवान का बारे में बिल्कुल सोचता नहीं मानो कि भगवान को काट के फेंक दिया ऐसा है जे नित्यो नित्यानम चेतनश चेतन जो नित्यो वस्तुओं का परम नित्य वस्तु जो सब तमाम अनंत चेतन वस्तु का परम चेतन वस्तु इसको अगर ना जाने इसका साथ अगर संबंध ना बनाए तो आत्मा का पतन ही है आत्मा आत्मा मर गया ऐसा लगता है अर्थात चलता फिरता डेड बॉडी ये जो चलता फिरता जो है ना मोबाइल डेड बॉडी हर आदमी चल रहा है खा रहा है पी रहा है खाओ पियो जियो एन्जॉय योर सेल्फ ये फॉर्मूला का अनुसार चल रहा है इसको जीने का लक्षण बताया नहीं गया शास्त्रों का अनुसार इसको चेतन नहीं बोला जाएगा क्योंकि परम चेतन वस्तु भगवान का साथ इसका कंटैक्ट खो गया है इस अवस्था में शास्त्रों का विचार का अनुसार इसको चल चलता फिरता डेड बॉडी या मोबाइल डेड बॉडी बोला जाएगा और कुछ नहीं हरिभजन करने से गुरु वैष्णवों का साथ संपर्क करने से इनके संग करने से धीरे धीरे चेतना का जो लेवल है ये आप आप में ऊपर जाता है इसलिए साधु संघों सबसे बड़ा चीज़ है स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इन्होंने भी भक्तोंगणों को लेकर आनंद की सागर में तैरने का अभिनय किया है लीला किया है हर भक्तों का साथ आनंद खाना पीना संकीर्तन करना चर्चा करना भगवत चर्चा करना मना ईच एंड एवरी एक्शन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दिखाया श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दिखाया जो हमारा भक्ति जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दिखाया हमारा भक्ति जीवन में हर क्रियाक्रम ईच एंड एवरी एक्शन शुड बी रिलेटेड टू भगवान भगवान का साथ संपर्क जोड़ के रखना है कोई फालतू बातें व्यर्थ की बातें नहीं करना व्यर्थ की बातें नहीं सुनना व्यर्थ की चीज़ से नहीं देखना जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने उपदेश दिया था सी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को स्वयं महाप्रभु जी ने बताया देखो ग्राम्य कथा ना सुनिबे ग्राम्य वार्ता ना कहबे भालो ना खाइबी और भालो ना पढ़ीबी अमानी मानो धैया सदा मुझे कृष्ण नाम लयबे देखने में चार लाइन है फो चार लाइन है देखने में लेकिन इसमें सारे भजन राज्यों का जो निचोर है जो भजन राज्यों का जो रहस्य है सारे महाप्रभु का ये जो उपदेश है रघुन्नाथ दास गोस्वामी का प्रति इसमें सारे राज छुपा हुआ है ग्रामो कथा ना कोई वे अब समाज का आदमी विदाउट मेटेरियल टॉकिंग्स रह नहीं सकता दे आर बाउंड टू स्पीक वो कैसे चेक करेगा ग्राम्य कथा ना कोई वे ग्रामो वार्ता ना सुने वे मेटेरियल बातें मत करो ग्राम्य कथा मतलब संसार की व्यर्थ की बातें मत करो ग्राम्य कथा को ना कोई वे ग्राम्य वार्ता ना सुनी भी और भालो ना खाई भी और भालो ना भी इसमें सारे भजन राज्यों का जो निचोर है रहस्य है सिक्रेसी छुपा हुआ है पूरा दुनिया का आदमी एक भी दिखाओ कोई ग्राम्य कथा को छोड़ के रह सकता नोबडी कैन स्टॉप मेटेरियल टॉकिंग मेटेरियल टॉकिंग बोलना और सुनना दोनों चलेगा ही चलेगा ये छोड़कर होता ही नहीं मेटेरियल लाइफ हमारा गुजर बसर चलेगा नहीं ये तो कहेगा ही आदमी और महापो बोल रहा है ग्रामों को ना कोई गमो बात हम मार्केट में जाए कोई खरीदने के लिए क्या करोगे फिर हमारा सिमन महाप्रभु जी ने सिमन महाप्रभु जी ने और भक्तों लोगों ने कैसे गुंडीचा मंदिर मानजन का समय में जो सिग्नल यूज़ किया था ना याद है ना गुंडीचा मंदिर मानजन चल रहा है हमारा गो नीला चले महाप्रभु मा, का टॉपिक्स में तो आएगा ही बाद में चर्चा करेंगे इस विषय में लेकिन बड़ा आश्चर्य चीज़ है श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्व में सारे गंभीरा मंदिर ए गुंडिचा मंदिर सफाई का काम चल रहा है और कोई भक्तों लोग कोई ग्रामो को कथा नहीं बोल रहा है किसी को अगर कुछ बोलना है तो कैसे हरे कृष्ण ऐसे बोल रहा है कोई बातें नहीं है सब सिग्नल में कम चल रहा है कृष्ण नाम का महाप्रभु जी ने सांस्कृत व्याकरण पढ़ाई कराने के समय में ऐसा सिग्नल किया सारे छात्रों लोगों को गया धाम से वापस लौटने के बाद वो सिर्फ कृष्ण नाम बोल रहे हैं संस्कृत ग्रामर उसमें भी कृष्ण नाम बोल रहे हैं कोई बात ये नहीं कर सकता महाप्रभु जी ने दिखाया महाप्रभु का हर काम एक्शन सारे कृष्ण भक्ति का साथ रिलेटेड भक्तों लोगों को भी यही शिक्षा दिया बड़ा आश्चर्य चीज़ है देखने में लगता है कि कैसे कैसे हम चलेंगे ऐसे लेकिन जो शुद्ध भक्तों लोग हैं चलता है माधव बुंदीपुरी पुरी ईश्वरपुरीपात सिमन महाप्रभु अद्वैत सारे भक्तों लोग जो है और भगवत अवतार भगवत का प्रकाश भगवत शक्ति भगवत भक्तों भाग सारे एलो का साथ एलो का साथ हमारा संबंध जोड़ना जरूरी है कैसे जोड़ेंगे वो लोग तो चला गया ऊपर वो तो नित्य धाम को वो तो नित्य धाम को चले गए नित्य धाम में चले गए लेकिन भक्तिविनो ठाकुर जी ने बताए हैं दो दे ऑल गॉन प्योर डिवोटीज़ लेकिन चैतन्य भागवत पाठ करो चैतन्य चैत्य में तो पाठ करो कंसेंट्रेट इन इट तो इन लोगों का जो बिहेवियर है महापुरुष के साथ कॉन्टैक्ट है सब कुछ इसमें भरपूर है इसमें मेंटली हृदय से इनके संग हो जाएगा भक्ति मोहन जी ने विशेष करके बताया जो चैतन्य भागवत आदि पाठ करते करते ये गौरांगेर भक्तगणेर नित्य करो संग गौरांगों का जो भक्त है गौरांगेर भक्त करे गौरांगेर भक्तोगणे नित्य करो संगो नित्य संग करना है भक्तगणों का नित्य संग करना है कैसे करेंगे भक्तों लोग तो चला गया ऊपर चैतन्य भागवत चैतन्य चौरत में तो आदि शास्त्रों का विचार अगर आनंद लगे, अपराध हो जाए तो इसमें आनंद नहीं लगता है नहीं तो चैतन्य भगवत चैतन्य पाठ करके पागल हो जाता है भक्त लोग जो भी है ये जो कृष्णो अवतारी चैतन्य चैतन्यों में तो काल भी हम चर्चा किया था इस विषय पर इस विषय पर चर्चा किया था बहुत सारे पहले बोला था अत्र स्वर्ग विसर्ग स्वस्थ अनम तयो मन्तर ईशानुकाथा निरधो मुक्तिराश्रयो दशमस्य विशुद्ध नवानमीह नीह वर्णयन्ति वर्णयती महात्मन श्रुतेन अर्थन तमाम शास्त्रो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे कृष्ण का बारे में कह रहा है इस विषय में भागवत जी महापुराण का पहला स्कंद से फिर भागवत जी महापुराण का दूसरा स्कंद से हमने ऐसा प्रमाण दिया है ये जो एक तत्व दस नंबर तत्व दस नंबर टेंथ ये जो दस तत्व है ये जो इधर बताए ये जो दस तत्व है अत्व स्वर्ग विसर्गो सारे दस तत्व है टेंथ इसमें नौ तत्वों का प्रचार है नौ तत्वों का जो नौ तत्व नाइन डिफरेंट तत्व डायरेक्टली कृष्ण दशम तत्व आश्रय तो टोटल से, सेल्टर अनंत ब्रह्मांड इसको इंडिकेट कर रहा है नौ तत्व ये तो नौ तत्व ये बोला दस तत्व है वर्णयंत महात्मा नवा दशमश विश्वविद्यात्तम दसमत्व दशमश विशुद्धार्थम दशमस्व मैने द टेंथ द पर्टिकुलरली द टेंथ तत्व टू एक्सप्रेसिस टू इलास्ट्रेट टू एक्सप्लेन टू क्लारीफाई ये आश्रय तत्व है इसका नाम है कृष्ण अनंत तो ब्रह्मांडो का कोई स्टेबिलिटी नहीं है अगर कृष्ण नहीं है अकाल बताया था चैतन्य तो का उपदेश है जे देखो सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलौस यहाँ होते कृष्ण लगे सुधीरो मानोस सिद्धांत तो बहुत टाफ है पौपात कह रहे हैं सिद्धांत डजन मीन जिम्नास्टिक फिट्स आई कैन मेक सम बारबल वो तो बात कह रहे हैं सिद्धांतो विचार इज नॉट लाइक जिम्नास्टिक फिट्स आई कैन पिक अप मार्बल एंड मेक माय मसल दिस इज नॉट द एक्सरसाइज ऑफ रैन ये भक्ति का चीज़ है तो भक्ति का चीज़ है और कुछ नहीं है जिसका अंदर में भक्ति है उस सिद्धांत तो जानता है गौरकिशोर बाबा जी महाराज बाहरी विचार में कोई एडुकेशन नहीं है लेकिन कोई भी सिद्धांत तो पूछो कह देगा गौरकेश्वर बाबा जी महाराज एक्सटर्नली एडुकेशन नहीं है लेकिन कोई भी क्वेश्चन करो उत्तर दे देगा मैं भी संस्कृत श्लोक नहीं बोलेगा जनरल आंसर देगा बिल बस परफेक्ट आंसर जैसे एक दफे प्रभुपाद विमला प्रसाद मायापुर से गया गुरुदेव का चरण दर्शन करने के लिए गौरकिशोर बाबाजी महाराज का चरण दर्शन विमला प्रसाद जी गया और उस समय श्री गौरकिशोर बाबाजी महाराज पब्लिक लैट्रिन का अंदर में घुसकर नाम कर रहा है पब्लिक लैट्रिन उसमें घुस कर नाम कर रहा है क्यों क्योंकि मेटेरियल आदमी सब डिस्टर्ब करता है ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जो सिद्धो महात्मा लोग हैं ना वो लोगों को डिस्टर्ब करता है मेटेरियल आदमी सिद्ध महात्मा का पास आके डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए ये लोग इच्छा करके चुपके से रहता है गौर किशोर बाबा माँ इच्छा करके पब्लिक लेटरिन का अंदर घुस कर नाम करे क्योंकि बाहर का आदमी उसको डिस्टर्ब करता है क्योंकि बाबा जी महाराज का लेटरिन का अंदर में हमको लेटरिन दिखता है लेकिन बहुपात क्या लैट्रिन का अंदर में बैकान बैकुंठ हो जे दिन गृहते भजन देखी से दिन क्या होता है लिखा है भक्त ठाकुर जे दिन गृहते भजन देखी गृहते गोलोक भाई जिस दिन हमारा घर का अंदर में परिपूर्ण भजन होता है भगवान का संतुष्टि विधान उस टाइम घर का अंदर में वृंदावन प्रकट हो जाएगा भक्त ठाकुर कहाँ भी कहीं भी रहे वहाँ गोलोक वृंदावन भक्त ठाकुर को जोर जबस्ती उनके रिलेटिव भक्त को जोर कर कलकटा में लेके गया ए यू आर सिख काम जोर जबरस्ती लेके गया लेके आम बागान में प्रीवियस होम में भक्त को ठाकुर है कुछ नहीं है कोई आदमी बोलता है देखो भक्ति किस लिए प्रीवियस आश्रम में गया तो ठीक नहीं है। लेकिन ये जो ये लोग जानता ही नहीं भक्ति मोदी ठाकुर कैलकाटा में अम्बगन मानिकतल्ला बारी में गया लेकिन इसका लिए ये गोलोक वृंदावन है भक्ति मेन ठाकुर जहाँ भी रहे ये गोलोक वृंदावन प्योर वैष्णव विशुद्ध वैष्णव जहाँ रहे वही वृंदावन है हर भगत वृंदावन विराजमान है शुद्ध भक्तों का नियम है कृष्ण स्वरूप और शक्ति त्रय गण कृष्णों का जो स्वरूप है किष्णों का स्वरूप के बारे में किसका परफेक्ट आइडिया है किष्ण तत्वों के बारे में स्वरूप के बारे में कौन बोल सकता है परफेक्टली कृष्णों का स्वरूप बहुत गंभीर है और कृष्णों का जो स्वाभाविक रूप में जो तीन शक्ति है चित्त शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति इसका बारे में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन इसका बारे में सिद्धांत तो विचार होना जरूरी है ये अगर ना हो तो हजन भजन में मन नहीं लगता अगर इधर कोई क्वेश्चन उठाए अगर हमने ये बोला कृष्ण स्वरूप और शक्ति त्रय ज्ञान जार हो तार नहीं कृष्ण अज्ञान तो सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलौस यहाँ इतने कृष्ण के सुधीर मन अगर कोई कहे वृंदावन का जो साधारण सब आदमी हैं वो कृष्ण तत्वों का बारे में कुछ नहीं जानता ब्रजवासी जानता है फिर भी नहीं जानता गोपियों का अंदर में कृष्ण तत्वों का बारे में आइडिया नहीं है क्या है लेकिन ये रहना नहीं रहना एक क्योंकि वो लोग कृष्ण को अपना मानता है सबसे तो ब्रज ब्रज भूमि का अंदर में और हमने बताया था बहुव मत पदम प्रत्याधवादिवाण मयश्चत विभिषण भता था सुग्रीव हनुमान ऋक्षो गजो गिदिककोपत तेनाधीता शुतिगणा नापसीता तपसा अवृतपसा सत्संगा उपागतः केवल सत्संग के द्वारा मेरे को प्राप्त की ये भी हो सकता है ये नसीब लेकिन जनरल केस में कृष्ण तत्व का बारे में ज्ञान होना चाहिए कृष्ण तत्व का बारे में ज्ञान होने से कृष्ण भजन में मन लगता है लेकिन बाई चांस कोई ऐसा स्पेशल संग मिल गया ऐसे संगों के द्वारा कृष्णों में बहुत प्रेम हो गया प्यार हो गया ये अलग बात है जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का संग में कोई मुस्लिम व्यक्ति भी चेंज हो गया स्पेशल है तो किसने स्वरूपय शोक्तित्व ज्ञान ये सब बारे में हमने बोला था चर्चा करने से अज्ञान नहीं होता काल ये सब चर्चा करते करते हम अंतिम में ब्रह्म संगीता का ये बात बताया था ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद स्वर्वकार ये सब सिद्धांत तो तुम्हें जानो भोलो माते तो वो पूर्व पक् करो अमा चालाई कृष्णदास कोविदास गोस्वामी कृष्णदास कोविरास गोस्वामी परपासली दो पार्टी बनाया एक है फेवरेबल पार्टी एक है इसको ओपोनेंट पार्टी इच्छा करके क्योंकि आम आदमी का अंदर में डाउट्स एंड सस्पेशन रहेगा कोई जीव विदाउट एनी डाउट्स एंड तस्वीर रह नहीं सकता ये रहेगा ये जीवों का कोई रास्ता नहीं है हर बद्धोजीवों का डाउट तस्वीर रहेगा ही इसीलिए जीवों का अंदर में विश्वास भक्ति लाना बहुत मुश्किल है इसीलिए इट इज वन कैन ऑफ टेक्निक कृष्णदास कबीराज गोस्वामी ने फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी बनाया फास्ट पार्टी तर्क उठा रहा है कैसे कृष्ण भगवान नारायण भगवान नारायण का कोई बात नहीं है देखना नारायण भगवान अच्छा ठीक है और जो डिफेंड कर रहा है वो बोल रहा है ये देखो ये शास्त्र में ये प्रमाण है समझा ऐसा करके ये तर्क उठा रहा है ये उत्तर दे रहा है फाइनली ये दोनों का एक ओपोनेंट पार्टी एक फेवरेबल पार्टी उत्तर का फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करके दिखाया है देखो ये ये नियम है ये अच्छा नियम फाइनली हम लोग देखा जो ईश्वर परम किश्वर सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारण ये ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने स्वयं ये साक्षात ब्रह्मा जी ने जो देखा है वही लिख रहा है भागवत जी महापुराण मोस्ट ऑथेंटिक वहां लिखा हुआ सारे शास्त्रों का अपमान है शास्त्रों का अपमान का अनुसार कर रहे हैं इसमें दोष क्या है ठीक है सही कृष्णो अवतारी ब्रजंद कुमार वही कृष्णो अवतार नहीं है कृष्ण कोई अवतार नहीं है कृष्ण इज नॉट इन्कानेशन कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकानेशन अवतारी सही कृष्णो अवतारी ब्रजेंद कुमार ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और वो भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्णो आज हमारा सामने आपने चैतन्य रूपे कोयला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्णो नंदन कृष्ण आज हमारा सामने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर हमारा सामने आया है बड़ा सौभाग्य की बात है आहा हैनो अवतार होवे है नो प्रेम परचार सो so, अतएव चैतन्य गोसाई परतत्व सेवा सो so, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ परतत्व एक्सट्रीम लिमिट का चर्चा करने का साथ साथ हमारा अंदर में एक फिनाइट कंसेप्शन ग्रो होता है बी केयरफुल अबाउट यू। जब ही हम बताएं पौरातत्व का शेष सीमा इट इज द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ पौतत्व एक्सट्रीम लिमिट का कंसेप्शन है इट इज द लिमिट इसका बात कुछ नहीं है ये मेटेरियल कंसेप्शन है जरूर जगत में एक्सट्रीम लिमिट बोलने से इसका बात कुछ नहीं है इसका बात कुछ नहीं है लेकिन पारमार्थिक राज्यों में भजन राज्यों में विचार करके देखो एक्सट्रीम लिमिट दिस इज वेरी गुड एक्सट्रीम लिमिट असमान और धो नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इन मैथमेटिक्स विनर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन नथिंग कैन बी कंपेयर्ड टू चैतन्य मापो चैतन्य मापो एक्सट्रीम उससे ग्रेटर तो, तो कुछ नहीं है चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु से ग्रेटर देन कुछ तत्व तो तो है नहीं चैतन्य महाप्रभु का इक्वल टू कोई तत्व तो तो है नहीं तो चैतन्य महाप्रभु एक्सट्रीम और पौरातत्व तो का एक्सट्रीम लिमिट इसके बाद और कुछ कंसेप्शन नहीं हो सकता लेकिन पौरातत्व तो का एक्सट्रीम लिमिट बोलने से अगर हमारा अंदर में कोई फिनाइट कंसेप्शन ग्रो करे ये भी उचित नहीं क्योंकि इस जड़ जगत में एक्सट्रीम लिमिट का मतलब है इसका बाद फिनिश लेकिन पौतत्व में ऐसा नहीं जैसे श्री चैतन्य चरतामितों का अंदर में आता है जे भगवान श्री कृष्णो और गोपियों का अंदर में जो लव एक्सचेंज ए नॉट यूनिक नॉट एक्सीलेंट इट इज एप्सिल्यूट बट स्टिल इन लोगों का जो लव अफेयर है भगवान श्री कृष्ण गोपी का या नंदो महाराज या कृष्णो का फादर मदर दिस विथ दिस रस नॉट सेम रस और हमारा नंद बाबा जशोदा माँ एज ए मादर माँ माँ का स्वरूप से नंद हमारा जशोदा माँ का लाभ जो है एक्सट्रीम जशोदा माँ का एज ए माधर एज ए फादर बाबा, एक्सट्रीम पॉइंट श्रीमती राधारणी गोपियों का एक्सट्रीम पॉइंट लाभ का एक्सट्रीम पॉइंट लाभ फुल एक्सचेंट

जे भगवान श्री कृष्णों गोपियों को देखा गोपियों का आनंद हुआ गोपियों ने कृष्णों को देख के आनंद मिला फिर आनंद मिलने के बाद फिर कृष्णों उन लोगों को देखा आनंद मिला इनके अंदर हृदय का अंदर में प्रेम का रिएक्शन देख के कृष्ण और आनंद हुआ ऐसे लिखा हुआ है गोपियों और कृष्णों का अंदर में प्रेम का कंपटीशन चल रहा है प्रेम का कंपटीशन बाड़ीते बंगाली लिखा हुआ है बाड़ीते जाएगा नहीं तो भी बाड़े खोने खोने बाड़ीते जाएगा नो स्पेस टू इंक्रीज लिखा हुआ है देखो कितना सुंदर बोले बाड़ीते जाएगा नहीं ये दे एक्सट्रीम लिमिट ये प्रेम बारने का और कोई स्पेस नहीं है मतलब फिर इंक्रीज बाड़ीते जाएगा नहीं तो वो बाड़े खोने खोने कितना सुंदर विचार है देखो तो भगवान ऐसा है चैतन्य गुसाई पौरातत्व का एक्सट्रीम लिमिट इसका मतलब नहीं इसका मतलब मेटेरियल कंसेप्शन हम इसमें यूज नहीं कर सकते अन एंडिंग तत्व जो यद्यपि यद्यपि इट इस पौरातत्व का एक्सट्रीम लिमिट फिर स्टिल वी कैन नॉट से लाइक मेटेरियल एंड क अतएव चैतन्न गोसाई पर तत्व तो सीमा तारे खिरोद गोसाई को कोई की तार महिमा इनको कोई अगर खिरोद गोसाई कहे तो इसमें क्या गलती है क्योंकि खिरदो गोसाई विष्णु ये भी कृष्ण से आए हुए हैं गौरव गोसाई विष्णु कृष्ण से आए हुए हैं करणन्न गोसाई भगवान श्री कृष्ण तो आए हुए हैं कोई दूसरा कोई अवतार है सक्ताबेज अवतार सक्ताबेज अवतार ये भी फिर जुगावतार ये भी कृष्ण सब कृष्ण, जुगावतार अवतार सक्ताबेज अवतार आदि जो कुछ भी है प्रभाव वैभव सब जो कुछ भी है सब कृष्ण से आए हुए हैं सो तो कोई अगर कृष्ण को बोले खेरो दुगोसाई इसमें गलती क्या है भगवान ही तो है कृष्ण जैसे चैतन्य महाप्रभु का जब मैरिज सेरिमोनी मैरिज प्रोसेसन भक्तों लोग देख रहा है ये लिख रहा है लक्ष्मी नारायण कोई बोलता है नहीं राम सीता एवरीथिंग ओके बिकॉज महाप्रभु महाप्रभुसेल्व इज राम वॉट रॉन्ग इन इट कंसेप्शन इज राइट दो दे अनो इंग्लिश स्पीकिंग लेकिन भक्त भगवान कृष्ण से सब आए हुए हैं तो ये सब ठीक है অতএব চৈতন্য গোসাই পরতত্ত্ব সীমা তারে ক্ষেরোদ গোসাই কই কি তার মহিমা হ্যাঁ এস খেরোদ গোসাই ন্যাচারালি সেই তো ভক্তের বাক্য নহে ব্যবিচার ভক্ত কা কইবি প্রবচন কইব বাতে ব্যবিচারী নেই ওস্তা সকলে সম্ভবে যাতে তাতে যাতে অবতারী কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং অবতারী নট অবতার एज अवतारी सोर्स ऑफ अवतार सो एवरीथिंग ओके हारमोनाइज क्योंकि अवतारी का शरीर में भगवान श्री कृष्ण का शरीर में असंख अवतार है अवतार असंख राम नारायण बड़ा कृष्ण राम सब कृष्णों का शरीर का अंदर में है अवतारी देहे अवतारे देहे सब अवतारे स्थिति क्यों कोनो मोते कहे को जयमोन जार मोती जैसा जिसका अंडरस्टैंडिंग है समझदारी है वैसे बताते इसमें कोई गलती नहीं है कृष्णों को अगर कोई कहे नौर नारायण इसकी गलती है क्या कृष्णों को अगर कोई कहे नौर नारायण इसको तो सोके नौर नारायण भी भगवान श्री कृष्ण से, से आए हुए हैं कृष्ण के कहे केहो नारायण केहू कहे कृष्ण है साक्षात बामन एक कृष्ण बामन देव इट्स ओके इट्स ओके ऑल्सो केहू कहे कृष्ण खेलुद गोसाई अवता इट्स ओके असम्भव नह सत्य वचन सभा ऑल ओके सभास नॉट रॉन्ग केहो कहे पर नारायण हरि कोई कहे केहू कहे पर ब्रह्म नारायण होरी रि पर ब्रह्म नारायण होरी ये भी ओके इस ओके क्योंकि कृष्ण छोड़ के कुछ है ही नहीं सब श्रोतागणेर कुरी चरण बंदन कृष्णदास कबीराज गोस्वामी आदि लीला का थर्ड चैप्टर क्लोज करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर जो है द्वितीय परिच्छेद कृष्णदास कविराज गोस्वामी अप टू दिस पॉइंट सेकेंड चैप्टर कृष्ण चौत्य में तो का तो तो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे जा रहे हैं और हर चैप्टर का अंत में कृष्णदास कोविराज गोस्वामी हर भगत भक्तों लोगों का वंदना करता है हर भगत इतना धन्य है सब स्रोतार गणिर कोरी चरण बंदन ये सब सिद्धांत तो सुनो कुरी एक्मो जो सब सिद्धांत तो विचार मैं कहने जा रहा हूँ विथ फुल अटेंशन देके इसको हृदय में पकड़ने का कोशिश कीजिए रखने का और को विराट गोस्वामी ये बात को उठाया सिद्धांत तो एक्सटर्नली वेरी टफ पॉच हाउ हु कैन रिमेम्बर सो मच थिंग सो कृष्णदास कुराज गोस्वामी कह रहे हैं इफ़ यू फील टायर्ड इफ यू फील एथर्जी नॉट फीलिंग एनी एनर्जी ये बड़ा गंभीर विषय है मुश्किल क्योंकि सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो ऑल सिद्धांत सिद्धांतों जानने से कृष्णों का स्वरूप समझने से कृष्ण भजन में मन लगेगा अच्छा लगेगा सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलस या कृष्ण लगे सुधीरो मानस यू कैन इनक्रीज योर ए न इनक्रीज योर इंटेंशन अफ भजन इफ यू कैन नो सिद्धांत चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांत ये सारे जो सिद्धांत तो पहला चैप्टर में या तो दूसरा चैप्टर में हमने बताया चैतन्य महिमा जनी ये सब सिद्धांत ये सब सिद्धांत तो अगर ध्यान से सुनोगे इसमें आपका तत्व ज्ञान हो जाएगा चैतन्य महिमा यानी ये सब सिद्धांत चित्तोदीरो लगे महिमा ज्ञान होते अगर चैतन्य महाप्रभु का महिमा ज्ञान हो जाए तब तो हमारा भजन का आनंद और बढ़ जाएगा कोई अगर चैतन्य महाप्रभु का बारे में महिमा का ज्ञान हो जाए तो महिमा का ज्ञान होने होने का बाद नेचुरली उसका चैतन्य महाप्रभु के चरण में अट्रैक्शन हो जाएगा चित्तोदी होया लागे महिमा ज्ञान होते महिमा का बारे में अगर ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा भजन में चैतन्य महाप्रभु महिमा कोई बार से चैतन्य महाप्रभु का महिमा इन डिटेल कहने के लिए कृष्ण महिमा कहना जरूरी था बिकॉज एक दूसरे का कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर अगर कृष्णो महिमा ना कहे श्री चैतन्य महाप्रभु का समझ में नहीं आएगा और श्री चैतन्य महाप्रभु का अगर महिमा का विचार ना समझे तो कृष्ण का विचार हम समझेंगे नहीं यथा यथा है न कृष्ण पद ये विचार है श्री चैतन्य महापो महिमा कहने के लिए विचार बनाने के लिए कृष्णों का महिमा कहना जरूरी था इसलिए हमने किया चैतन्य महापो महिमा कोई बार तोड़े कृष्णेर महिमा को ही कोरिया विस्तारी इसलिए इन डिटेल कृष्ण का तत्व सिद्धांत तो विचार महिमा कह रहे हैं क्यों इसमें श्री चैतन्य कौन है ये विचार बैठेगा दिल में चैतन्य को सायर ए तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण भजेंद्र नंदन ये समझ के रखना श्री रूप रोघुनाथ पदेजा चैतन्य चरित कहे कृष्णदास हर वकत सब सब कोरी चरण बंदन कृष्णदास कुराज गोस्वामी की स्पेशलिटी है कृष्णदास कुराज गोस्वामी का एक एब्सोल्यूट स्पेशलिटी है हर चैप्टर का अंत में हर भक्तों का चरण वंदना कर रहे हैं सब सोतार चरण वंदन ये कृष्णदास कुराज गोस्वामी का दैन्य स्वभाव है चैतन्य चैतन्न तत्व तत्वनिरुपम स्वयं भगवान कृष्णो भजेंद्र नंदन यही श्री चैतन्य महाप्रु का शरीर में स्वरूप पकड़ कर आए हुए हैं और इसके बाद ये सेकेंड चैप्टर का अंत है और हर वक्त हर चैप्टर का एंड जब होता है कृष्णदास कविरदास गोसाएं ग्लोरीफाई करते हैं श्री रूप रघुनाथ पदेजारास चैतन्य चैतन्य तो कहे कृष्णदास वही कृष्णदास वही कृष्णोदास जो रूप रघुनाथ का गुलाम है सर्वेंट है वही कृष्णदास जिसका आइडेंटिटी और कुछ नहीं है रूप रघुनाथ के चरण का दास है ये चैतन्य चौथा में तो कह रहे हैं इच्छा है तो सुनो श्री रूप रघुनाथ पदारास चैतन्य चैत्य तो कहे कृष्णदास इति श्री चैतन्य चे आदि खंडे वस्तु निर्देश मंगल मंगलाचरणे श्रीकृष्ण चैतन्य तत्व निरूपणम नामो द्वितीय परिच्छेद समाप्त सेकेंड चैप्टर का अंत हुआ अभी तीसरा चैप्टर का शुरुआत होने जा रहा है तीसरा चैप्टर में चैतन्य माप के बारे में बहुत सारे गंभीर तत्व कृष्णदासकुबीराज गोस्वामी कृष्णदास कुबीराज गोस्वामी लिख रहे हैं ये तीसरा चैप्टर थर्ड चैप्टर में श्री चैतन्य प्रभु वंदे हैं यश्रय वीरियत संग्रत अज्ञ सिद्धांत सन्मि सन्मनी न श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल को वंदना करे श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का अगर वंदन करे आश्रय ले तो उसमें कोई मूरख है मूरख एडुकेटेड नहीं है एडुकेशन नहीं है फुलिश मूरख नो है अनएडुकेटेड ये भी सिद्धांत तो कह सकता है कोई अनएडुकेटेड अनपढ़ है अशिक्षित बस स्टिल सिद्धांत तो कह सकता है जो चैतन्य महाप्रभु का चरण का सहारा लिया जैसे हमने उस दिन बताया था चैतन्य महाप्रभु का जो छोटा लड़का है अच्युतानंद अच्युतानंदो ने अद्वैत साहब की जो सिद्धांत तो बोला किसी ने पूछा था किसी ने पूछा था चैतन्य चैतन्य महाप्रभु का गुरु कौन है तो अद्वित्य गोसाई ने इन जनरल उत्तर दिया गंभीर सिद्धांत तो विषय नहीं है बोले देखो चैतन्य महाप्रभु जी ने सन्यास लिया कहाँ से केशव भारती से मंत्र लिया ईश्वर प्रतिभा से लेकिन ये बच्चा खेल रहा था ये छोटा सा बच्चा और दूसरे बच्चों बच्चों का साथ खेल रहा था ये दौड़ क्या है क्या 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 वाट 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 यू आर स्पीकिंग है गुरु अब चैतन्य गोसाई है यू आर स्पीकिंग व ऑथेंटिक पर्सनैलिटी यू स्पीकिंग दिस वे यू कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड स्मॉल बॉय बच्चा अद्वैत गोसाई को बोल रहे तुम्हारा ये विचार से पूरा दुनिया धंस हो जाएगा है क्या बताते हो चैतन्य गोसाई स्वयं भगवान है उसका कोई गुरु है तो आप बताते हो चैतन्य गोसाई एटा बच्चा है छोटा सा बच्चा चार साल का अद्वैत गोसाई इसको उठाया गदी में चुम्बन किया आदर किया यू आर माई फादर यू आर माई फादर नाउ टीच में ऐसा आनंद ऐसा करके बच्चा को प्यार किया तो अचुतानंद बच्चा है चार साल का बच्चा क्या पता है वो पढ़ा लिखा किया कुछ नहीं किया हा हाउ इज पॉसिबल फॉर हिम टू रियलाइज ऐसा एक्सीलेंट है श्री चैतन्य प्रभु बंदे यदश्रयजतः इनके चरण का आश्रय लेने का बाद इतना क्षमता होता है कि एक पागल एक अनपढ़ आदमी भी सिद्धांत तो सतमुनि सतमुनि चयन कर सकता है श्री चैतन्य प्रभु यत यह पादाश्रयजतः संग्रति अकर व्रताद अज्ञ सिद्धांत सन्मनी मतलब जिनके चरण कमल का जिन श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का थोड़ा सा सहारा लेने से सहारा लेने से क्या होता है अग्गो अनपढ़ व्यक्ति अनएडुकेटेड व्यक्ति ये तमाम सिद्धांत सागर से जैसे सागर मतलब ओशन ओशन का अंदर में जो पानी का अंदर में जाए ट्वेंटी थाउजेंड लीग अंडर द सी वहाँ से बना रोत्नो मिलता है ना ज्वेल मिलता है समुंदर का दूसरा नाम है रत्नाकोर। समुंदर का दूसरा नाम है रत्नाकोर क्यों समुंदर का ऊपर पानी है लहर है लेकिन नीचे जाओ वहाँ देखे कितना ज्वेल मिलेगा बहुत कीमती बहुत प्यार प्यार मिलेगा फिर स्टोन मिलेगा बहुत कीमती बहुत सब मिलता है ऐसे ही कृष्णदास को बीराज गोस्वामी ने कहा लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण का चरण आश्रय करने से इनके ताकत से इनके भगवान का कृपा से चैतन्य महाप्रभु कृपा से जो अज्ञान है अनपढ़ है ये भी सिद्धांत तो सागर शास्त्रों का सागर से एक एक करके मनी ज्वेल उठा के रख सकता है श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत्पादश्रयो विरजतः श्री चैतन्य प्रभु वंदे पाद पाद यादाश्रय विरजतः क्या बताया श्री चैतन्य प्रभु वंदे श्रय विरजत संग्रति है अकरो ब्रात आज्ञ आज्ञ सिद्धांत सन्मनीन सिद्धांतों का रत्नों बलदेव विद्याभूषण जी ने एक पतला सा किताब लिखा है मैंने पब्लिश किया था सिद्धांत रत्नम बलदेव विद्याभूषण जी ने एक पतला सा किताब ट्रिया टाइ स्मॉल बुक सिद्धांत रत्न वेरी स्मॉल इतना गंभीर किताब है जो भी है तो ये चैतन्य महाप्रभु का चरण का आश्रय लेने से कोई पागल कोई अनपर भी सिद्धांत सागर से वैलेबल ज्वेल उठाकर रख सकता है जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदो जय द्वैत चंद जय गौर भक्तबिंदो ए इसी प्रकार से कृष्णदास कबीराज वंदना किया हर वक्त क्या कैसे किया बोले जय जय जास, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्तबिंद तृतीय श्लोके अर्थ कोईल विवरण चतुर्थ तो श्लोक अर्थ सुनो भक्तगण ठीक है यह अनर्पित चरिंग चिरात करुणवतीर्ण कलऊ समर्पयत उन्नत उज्जवल रसाम सभक्त श्रीयम हरि ही सुंदर दुदी कदम्ब संबित सदा हृदय कंदरे स्फुरतुब श्री सचिन इसका चर्चा पहला उध्याय में हमने किया था अनर्पित चरिंग अनर्पित में जो दिया नहीं गया जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था पहले ऑनर्पित चरिंग चिरा बहुत दिन से ये चैतन्य महाप्रभु करुणाय अवतीर्ण कलुक एक कलिकाल में एक कलिकाल में करुणा के द्वारा वसीभूत होकर दया करने के लिए आविर्भाव हुआ है भगवान का करुणा है अनर्पित चरिंग चिरा तो कोरोना में चुंड करु समर्पय तो किस आए हैं समर्पय तो उन्नत उज्ज्वल रसाम जो उन्नत तो उज्जवल रस बड़ा सीक्रेट चीज है गंभीर चीज है अनंत ब्रह्मांड में ये अनोखा ट्रेजर अनमोल संपत्ति मिलना बहुत मुश्किल है पूरा जगत में इसका बारे में किसी को पता नहीं था पूरा जगत में ये जो रागानुगा भक्ति ब्रजवासी का साथ कृष्ण का जो लाभफुल रिलेशन इसका बारे में किसी को पता नहीं था अनपित चरिंग चिरा तो कुरुवती समर्पित उन्नत उज्जवल और जो एप्सोलूटली प्योर लव एफेयर जो एप्सल्यूटली प्योर लव अफेयर जो उन्नत तो उज्जवल और ये सभक्ति श्रीआम भगवान का भक्ति भगवान का भक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति इंटरनल की स्वरूप शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति भगवान का अंदर में रहता है भगवान का सर्व स्वभक्ति श्रीयम अपना संपत्ति है आर ये गोल्डन अवतार हरि ही पुरटो सुंदर उद्यु कदम्ब संदीभित ये सदा हृदय कंदुरुभ ये गोल्डन अवतार ये सुवर्ण कांति ये सुवर्ण पार्थ कांति ये गौर अवतार ये हमारा हम लोगों का हृदय में ये हम लोग ये हम लोगों का हृदय में विराजमान रहे सदा विराजमान रहे हर वक्त बक, हर वक्त विराजमान रहे ये प्रार्थना कर रहे विदग्ध दाघ में श्री बाद ऐसे ये जो पार्थोना है ये पार्थोना इज वन काइंड ऑफ सिकिंग मंगल फॉर ये एक किस्म का ग्लोरिफिकेशन तो है ही है ये तो एक किस्म का ग्लोरिफिकेशन इज वन ऑफ ग्लोरी। एवरीबॉडी नोज। बट दिस हैज स्पेशल थीम इन साइड इट ये जो ग्लोरिफिकेशन है ये ग्लोरिफिकेशन अंदर में हमारा रूप को पद ऐसे ग्लोरिफिकेशन किया है कि मानो की पूरा जगतवासी के लिए ये ग्लोरिफिकेशन है स्पेशलिटी ये ग्लोरिफिकेशन में कृष्णदास कुराज आई हमारा रूपकोश्री पूरा जगत के लिए एक आशीर्वाद पूरा जगत के लिए फॉर होल वर्ल्ड में इन सम आशीर्वाद फॉर एवरीबॉडी ए रूपकोश लिखा लिखा रूप गोस्म बात रिटर्न बाई रूप गोश्चि बट कृष्णदास कोविदास गोस्वामी थिंकिंग रूप गोस्म बात इज माई गुरु सो वाई शुड आई राइट सेपरेटली हिज बंद इज वेरी गुड हमारा सेपरेटली आई कैन नॉट एक्सप्रेस एडसिटी टू राइट सेपरेट बन दोना वेरी वेरी यूजफुल बंदोना रूप गोस्म बात माई गुरु दे ऑलरेडी रोट सो इसलिए पाद का माधव किताब से कृष्णदास कुराज गोस्वामी श्लोक को उठाकर चयन करके इधर चैतन्य च में लिख दिया समझा मेरा बात माधव से श्लोक को उठाकर यहाँ लिख दिया कृष्णदास हो गया बारे वेरी गुड हरि ही पुरुदी कदम संदिवित और सदा हृदय कुंद स्फुरतु वो पूर्व माने ये जो मंगलाचरण एक वन काइंड ऑफ ब्लेसिंग आल्सो ये जो मंगलाचरण है इसमें इट इज वन काइंड ऑफ ब्लेसिंग आल्सो रुभुकृष्ण के बाद ग्लोरीफाइंग गौरंग महाप्रभु एट द सेम टाइम जगतवासी के लिए एक आशीर्वाद मांगा कोई का हृदय में गोल्डन अवतार का जो छवि है पिक्चर है उदित हो जाए बड़ा सुंदर है पूर्ण भगवान कृष्णो ब्रजेंद्र कुमार अभी इस चैप्टर में कृष्णदास कुबिराज गोस्वामी क्लैरिफाई करने जा रहे हैं ट्राइंग टू क्लरिफाई हाउ रेयर हाउ रेयर मोस्ट रेयर थिंग गौरंग अवतार इसका क्लरिफिकेशन इस चैप्टर में कर रहे हैं इसमें कैलकुलेशन अगर है कैलकुलेटर कैलकुलेशन कैलकुलेशन मोबाइल में होगा नहीं कंप्यूटर में अगर करो करो पूर्ण भगवान कृष्णो ब्रजेंद कुमार ब्रजेंद कुमार भगवान स्वयं हैं ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण गोलोके ब्रजेश्वर सहो नित्य विहार इटरनली इटरनल धाम में भगवान विराजमान है भगवान का एक नित्य धाम है वृंदावन वहाँ इटरनली भगवान प्रेजेंट फिर भी भगवान ये गोलोक वृंदावन को जगत का कृपा कर लिए वृंदावन धाम गोवर्धन गोवर्धन गु, गिरिराज गोवर्धन यमुना नदी सब लेके उधर से अवतीर्ण होता है एपी जब यद्यपि इटरनली कृष्ण का लीला इटरनल धाम में है इशल फिर भी भगवान आम हम लोगों को कृपा करने के लिए इच्छा करके गिरिराज महाराज गोवर गिरिराज महाराज गोवर्धन यमुना सब लेके वृंदावन को लेके यहाँ अवतीर्ण वृंदावन अपियर नवद्दीप धाम यहाँ ऊपर से धाम से अपियर किया ये बड़ा आश्चर्य चीज है ये अवतीर्ण हुआ है नवद्वीप इज नॉट और नवद्वीप इज न पार्ट एंड पार्ट ऑफ दिस आर्थ नवद्दीप नवद्द्वीप इस दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है वृंदावन धाम मथुरा ये कोई पृथ्वी का कोई ग्रह पाई चाट में ओ नवद्वीप ही है मथुरा ही है इससे लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है वो इच्छा करके आए हुए हैं कृपा करके पूर्णो भगवान कृष्ण भजनद कुमार गोलो के सह नित्य विहार ये तो इटरनल ही भगवान का नित्य लीला है ही है लेकिन जब जहाँ इच्छा भगवान का इच्छा हुई तो किसी भी ब्रह्मांड किसी जगह जा सकता है सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु जी जो शिक्षा दे रहे हैं सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बोल रहा है बोल रहे है हाउ कृष्ण लीला इटरनल हाउ भगवान कह रहे हैं देखो कृष्ण का हर एक एक लीला सपोज करो कृष्ण का कालिया दमन लीला कृष्ण का रास लीला कृष्ण का वस्तरन लीला कोई भी लीला कृष्ण का लीला इटरनल हाउ बिकॉज इज वन वन डिफरेंट डिफरेंट एज फैक्टर दिया यहाँ कालिया दमन लिया गया कुछ किस एज में और गोवर्धन उठाया उसका समय एज क्या था कृष्ण का एज कन्फ्यूजन चैतन्य आप योर कंसेप्शन इज रॉन्ग टाइट नित नित्य धाम में भगवान नित्य कोईशर नित्य कोईशर रूप में विराजमान लेकिन यशोदा मां नंदोबाबा बाबा इनके बात्सल जो है मेरा गोपाल है बच्चा ये कंसेप्शन है नित्य धाम में Kongso is not there. Sisupal not there. But their concept is there. Follow. Practically Kongso is not there. Kongso. Konso Appear when we are. Watching practical Leela. When Bhagavan coming in a human being. Then Kongso appear. fighting going. But Nitya no. But only concept is there. Conception there. समबॉडी बॉडी कैन से कोई अगर बोले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है जीरो इज यूज़लेस बट जीरो इज नॉट यूजलेस वी कैन नॉट एक्सप्लेन विदाउट जीरो मैथमेटिक्स होगा ही नहीं अपेरेंटली कोई अगर जीरो 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 मिन यूजलेस नो जीरो इज वेरी वैल्यूएफल जीरो कंसेप्ट जीरो अगर नहीं रहे तो होगा नहीं मैथमेटिक्स तो ऐसे ही नित्य धाम में भगवान श्री कृष्ण का नित्यों लेला हर बगह चल रहा ले, है आनंद लेकिन माँ का कंसेप्शन बाबा का कंसेप्शन कौक्सो का कंसेप्शन नंदबाबा का कंसेप्शन है सब कुछ है लेकिन कौसो नहीं है नेगेटिव थिंग नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट्वीन कृष्ण लीला एंड

लीला को टेस्टफुल बनाने के लिए लीला को वेरी टेस्टफुल बनाने के लिए ऐसा किया गया इसीलिए हमारा शास्त्रकारों ने दो जो बड़े बड़े सनातन रूप जो सब है उन्होंने बताया भौम लीला लीला दो किस्म का एक है नित्य लीला कृष्ण का है भौम लीला भौम लीला इज वेरी टेस्टफुल बगैर डायरेक्ट दे ना वेरी टेस्टफुल भोमोलीला वेरी टेस्टफुल क्यों भोम लीला टेस्ट इसमें जितना सारे है एम्पिडिमेंस होगा ना जैसे आप हिमालय का पार में व कोई एक्सपिडिशन कोई जाता है ना एक्सप्लोरेशन कोई व्यक्ति जाता है ना जितना एडवेंचर जितना मुश्किल है उतना एडवेंचर जितना मुश्किल है ना उरी बाप इतना जंगल में पहाड़ में उतना जो लोग एडवेंचर करता है दे फील थ्रिल तेंजिंग नोड़गे एडुन प्यारी सब लोग उठाए पूरा हिमालय स्ट्रेच एक जगह गया एवरेस्ट ओ कैसे उठे ए को फेंका इधर इसका आशा सा उठा वेरी थ्रिलिंग एक्सीलेंट विदेश में ऐसा है इसका पिताजी सत्तर साल का उम्र में बाइक रेस कर रहे हैं थ्रिल है विशेष <laughs> करके फॉरेनर लोग आर फुल ऑफ थ्रिल एडवेंचर है ऐसा है।, है।, है कोई क्या करे तो कृष्णों का जो लीला गोलोक, गोलोक वृंदावन में और ये भौम वृंदावन में लीला ये वेरी टेस्टफुल है कि ये डायरेक्ट फिजिकली सब कुछ है ना सब कौसो का साथ कॉन्फ्रेंटेशन है शिशुपाल है जितना बाधा है ना एडवेंचर में उतना आनंद है तो वो आनंद है और सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो इन्फिनिटी ब्रह्मांडो ब्रह्मांड इन्फिनीटी इन्फिनी ब्रह्मांडो में अभी अभी तीन बजा थ्री ओ क्लॉक नून इस समय शाम ब्रह्मांडो में कृष्ण आविर्भाव हुआ समझा इन श्याम ब्रह्मांडो कृष्ण अभी नाउ आई एम स्पीकिंग ना न इन एनी इन्फिनिटी ब्रह्मांड शाम कृष्ण टेकिंग बात बिकॉज भगवान का लीला जब जगत में अवतीर्ण होता है

फॉर स्मॉल बॉय कार्टून पिक्चर कार्टून सिनेमा कार्टून में आर्टिस्ट को हर पोज इज ईच एंड एवरी सपोज इज गोइंग टू फाइट तो दिस आफ्टर दैट डेट आफ्टर दैट डेट ऑल ड्राॅइंग उसके बाद मेक ए सीरीज लाइक फिल्म समझा नहीं मेरा बात फूल इज एक कार्टून पिक्चर में जैसे आर्टिस्ट हर पोज को ड्रॉ करना है उसका पास उसको एक साथ लगाकर उसको कंप्यूटर में लगेगा उसको दिखेगा ऐसा ही कृष्णो का सपोज एक मिनट एक मिनट पहले बिफोर वन मिनट कृष्ण टूक बड़ आफ्टर वन मिनट सम लीलाइज दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन इन्फिनेटिव उम्र ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे ईच एंड एवरी फैक्शन ऑफ सेकेंड व्हाट लीला कृष्णो डूइंग ऑल लीला इटर प्रेजेंट समझा नहीं चैतन्य महाप्रभु ये एग्जाम्पल सनातन गोस्वामी को देके बोलता है जैसे वन राउंड व्हील सनातन गोस्वामी महाप्रभु बोले वन राउंड व्हील इज रनिंग वेरी फास्ट सुपर फास्ट सुपर फास्ट स्पीकिंग दिस वे ऑल डिफरेंट चेन वाइज एवरीवेयर क्रिश्नोज नाउ एट प्रेजेंट आई एम टॉकिंग एक जगह कालिया दमन लीला चल रहा है एक्टर सेलियादमन लोग का ईस एंड एवरी पोज किसी ब्रह्मांड में तो ऐसा करके कृष्ण लीला को चिंता करो इटर्नली प्रेजेंट साम ऐसे कृष्ण लीला इटर्नली प्रेजेंट होता है महाप्रभु जी ने सनातन को बोला किसी ना किसी प्रेजन, एनी ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड में साम यार कृष्ण लीला दिस लीलाइंग सो दिस वे लीला इज इटरनली एनी वेर थिंग लीला इज इटर तो कालिया दमन लीला इज इटर्नली बस्तर लीलाइटर्नली प्रजेंट है नगासुर बकासुर ब्रह्मांड में बट इटर्नली जो धाम है जो गोलोक वृंदावन है ये भी गोलोक है ये जो भौम बृंदावन ये भी एक्जैक्ट वृंदावन नॉट एन इट डुप्लीकेट ये डुप्लीकेट नहीं है ये ठीक ही है लेकिन वो बिंदा गुल से इधर उतर आए हैं ये शायद साम एग्जाम्पल हम काल बताएंगे इसके इसमें समझोगे जैसे गोपियों का गोपियों का कोई हस्बैंड नहीं है नो हस्बैंड और गोपी का जी गोपियों का कोई हस्बैंड होना संभव ही नहीं है हुम कृष्णो गोइंग टू एक्सेप्ट हाउ मेटीरियल हस्बैंड कैन बी थियर इट इज वन काइंड ऑफ जोग माया अरेंजमेंट दैट आई कैन डिस्कस टू मोर कैसे अद्भुत जोग माया अरेंज करता है वह गोपिया <coughs> गोपी का लोलिता सोकी का लोलिता सोकी का हस्बैंड है विशाखा का हस्बैंड है बट ऑल माया जोग माया नॉट माँ माया जोग माया राधा रानी का स्वामी है ना हस्बैंड आयन घोष आयन घोष राधा रण का हस्बैंड है राधा री का कोई हस्बैंड होना संभव ही नहीं है राधा रण का कोई हस्बैंड होना संभव ही नहीं है ना इटरनली कृष्ण इज हस्बैंड। इस कॉन्सेप्ट वन कंसेप्ट कंसेप्ट सो काल हम इस बारे में चर्चा करेंगे पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलो के बुझे सहो नित्य विहान ब्रह्मार एक दिने तेह एक बार अवती अवतीर्ण होकुट बिहार इन द होल डे ऑफ ब्रह्मा ओनली वन टाइम ब्रजेंद्र नंदन कृष्णो ब्रजधाम का साथ अवतीर्ण होके लीला रह सतें एक बार ब्रह्मा एंड ब्रह्मा का जो एक दिन है ये कैलकुलेट करो कंप्यूटर में कितना आता है ब्रह्मा का एक दिन का हिसाब लगाओ तो देखो सो रहे हैं हम लोग विचार करेंगे सत्य तेता दुर्कुली चारी जुग सत्यतापुर का टुमोरो आई कैन एक्सप्लेन ऑल इन डिटेल्स सत्योग तेता युग चार चार लक्ष बत्तीस हजार फोर लैक्स एंड थर्टी टू थाउजेंड ईयर ड्यूरेशन ऑफ दिस कालीग जस्ट मेक डबल देन दर जू इट मेक डबल आई कैन गेट तेता जुग ड्यूरे तेता जुग येट मेक डबल दैट इज ओनली वन स्मॉल टाइम फॉर ब्रह्मा फॉर ब्रह्मा दिस फोर जुग सो मच इयर इज वन कैन फ्रैक्शन फॉर ब्रह्मा ना यू सी बट ब्रह्मा एनी वे टुमोरो आई कैन डिस्कस अचैतन्यमिद विश्व यदि चैतन्यम ईश्वरम न विदु सर्वस्तृग ब्रमें वाचकलपुरश कृपासीव पति पावन भो वैष्णभ्यो नम जय हो जय हो वंछकल्पदुश जय हो जय